तो गाइस आज हम जानेंगे बटरफ्लाई बटरफ्लाई कैसे की जाती है। ठीक है, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग से सेट करना है, नीचे वाली छोटी है, ये थोड़ा लंबी हाइट से मैंने इसको नीचे कर रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो हैंडल है बहुत ज्यादा पीछे है, जो पीछे नहीं करना, थोड़ा सा आगे करना है, यहाँ लेके आना और दोनों हैंडल को आप आगे करना है इस तरीके से। और वेट वेट का भाई बहुत ध्यान देना, फर्स्ट में आपको वेट हमेशा कम रखना है। ठीक है, लाइट वेट से करना है, तो मैं इसमें कम कर देता हूँ थोड़ा वेट। अब कैसे करना है आप बताता हूँ। तो ये देखिए सिटिंग पोजिशन देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये नहीं कि ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, इधर मेरे बैक दिखाना है, सूरज अच्छा देखो इतना ऊपर नहीं आना है। ठीक है, ये शोल्डर के सीट पे आनी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हैंडल पकड़ना है इस तरीके से, बहुत सारी क्या करते हैं ऐसे करके लेके आते हैं, ऐसे हाथ टेढ़े नहीं करना है आपने, जब मेरे हाथ टेढ़े रहे ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है हाथों को पूरा सीधा और चेस्ट सीधे आगे इस तरीके से सीधा आगे ले जाना, हाथ बिल्कुल सीधे रहना आपके गाइस। इससे ये होगा जो अपर चेस्ट है आपकी उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा गाइस, तो उसमें आपकी जो अपर चेस्ट है वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, देखो सारा मेरा जो चेस्ट है वो अपर चेस्ट में होगा, उसको चला आगे आगे दिखाओ, ये चेस्ट में दिखाओ, ये देखो पूरा चेस्ट में अपर चेस्ट में है गाइस, देखो पूरा ये है ना। अभी मैंने क्या करा हुआ है, मैंने अपनी सिटिंग पोजिशन थोड़ा सा नीचे करी है, जो अपनी सीट है वो नीचे करिए, ताकि जो मेरा ये वाला हिस्सा अपर चेस्ट ये प्रॉपर ट्रेंड हो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बटरफ्लाई करेंगे गाइस। अगर आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलता है।